हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का टॉपिक जो मैट्रिसेस चला था, उनमें उनके टाइप्स कितने होते हैं। पिछले वीडियो हमने दो टाइप पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और पढ़ेंगे लास्ट में वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके ऊपर बात करते हैं हम। कि देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, दोनों डिफरेंट हो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, दोनों डिफरेंट हो। चले, मतलब नंबर ऑफ रो कुछ और हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ और हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं आयताकार आव्यूह। हिंदी होती है इसकी आयताकार आव्यूह, और चैप्टर हमारा मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। तो क्या होता है, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ ना एक नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो, दोनों अलग अलग हो, उन्हें हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या हिंदी में कहें आप आव्यूह मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। भाई जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या है ए टू एच ना। अब देखो भाई, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, चार है, ऑर्डर इसका 2x4 का। यहाँ पे देखा जाए दो रो है और दो रो है, बाकी चार कॉलम्स है, क्या दोनों बराबर है, नंबर ऑफ रो अलग है, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या फिर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, देख लीजिए, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तीन रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 1 एंड 2। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर बात। अगला देखते हैं भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी हिंदी होती है वर्ग आव्यूह। इसकी हिंदी होती है वर्ग आव्यूह, यानी एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। भाई जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तीन रो है, 1 2 3, तीन कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स देखो हमारे पास एक्स है, ए बी सी डी, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, दो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर बात। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पास नोट लीजिए, हम थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, इसके पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। चलिए भाई देखो, हमने क्या कहा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो भाई, इसका अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए होगा,
ए आई जे फॉर्म का, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी, क्लियर बात। इसका जनरल फॉर्म होगा, इसका जनरल फॉर्म होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होगा। मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे वेयर एम एंड एन आर बोथ आर इक्वल्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, एम क्रॉस एम का होगा या एन क्रॉस एन का होगा, क्लियर बात। अब यहाँ देखो जी, यहाँ देखो जैसे हमारे पास इसका हम जनरल फॉर्म, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे, क्या होगा ये ए वन वन ए वन टू ऐसे करते करते आएगा ए वन एम, फिर आएगा ए टू वन ए टू टू ऐसे करते करते आएगा ए टू एम, फिर ऐसे आएगा हमारा ए एम वन ए एम टू ऐसे करते जाएगा ए एम एम, ना यही आएगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें एम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है एन। यार देखो तुमको इसमें देखने को चीज़ मिलेगी यहाँ पे कि ये एलिमेंट ए वन वन ए वन टू यहाँ पे लेगा ए वन थ्री ऐसे करते करते लास्ट में क्या मिलेगा ए एम एम, डायगोनल के फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम जो एलिमेंट यहाँ पे ऐसे लाई करेंगे, जो एलिमेंट यहाँ पे लाई करेंगे उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। और ये किस में पॉसिबल होता है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। जैसे देखो भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर ले हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें डायगोनल क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन इसमें देखो डायगोनल पॉसिबल है, ये ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। किसको, ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री कहाँ तक ए एम एम, यानी कह सकते हो जहाँ आई बराबर जे हो, आई बराबर के जे हो, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम में जहाँ पे आई बराबर जे हो वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। और उनका पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा, क्लियर बात। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ए वन वन ए टू टू ए थ्री ऐसे करते करते क्या आएगा ए एम एम, ये सब किसके एलिमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल वर्ड जो हमने यूज किया, डायगोनल विकर्ण जो होता है ना, जैसे स्क्वायर की बात करें अभी, ये इसका डायगोनल होता है, ये इसका डायगोनल होता है ना, इसमें डायगोनल तो ये भी है, डायगोनल ये भी है, लेकिन बात करें प्रिंसिपल डायगोनल की, तो प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको मानते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको मानते हैं, क्लियर बात। तो वीडियो पास इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं और सब मैट्रिक्स के ऊपर। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला हमारा टाइप है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसकी हिंदी होती है रिक्त अवयव, रिक्त या फिर शून्य अवयव। इसकी हिंदी होती है रिक्त या फिर शून्य अवयव। होता क्या है इसको देख लेते हैं भाई, देखो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर क्या हो, एम क्रॉस एन या एन क्रॉस एम, कुछ भी ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कुछ भी हो, तो उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके सभी एलिमेंट्स जीरो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, क्लियर बात। A matrix of order m cross m, m cross n is called null matrix in which all the elements are zero, जिसमें सभी elements क्या हो, zero। ऐसे matrix को हम क्या बोलते हैं, null matrix। जैसे example देखो भाई, हमारे पास एक matrix है p, zero 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 zero, what is the order of this matrix is here, two cross three, order है दो row है तीन column है ना,
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। हिंदी क्या होती है इसकी? रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह, मतलब एक ऐसा आव्यूह ना जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या है, ध्यान देना। इसको बोलते हैं हम, रो को बोलते हैं हम हिंदी में पंक्ति, और कॉलम को बोलते हैं हम स्तंभ। रो को बोलते हैं हम पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ हिंदी में। यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की जितनी भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट स्तंभ में है या पंक्ति में है, वो सभी क्या हो? जीरो, शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट्स ना क्या हो? जीरो हो, शून्य हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर बात? अगला देखते हैं भाई। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जीरो। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? जीरो से डिनोट करते हैं। क्लियर बात? अगला देखते हैं भाई। अगला हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे जो पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों सिमिलर होते हैं, छोटा छोटा डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस को आप ध्यान से देखिएगा, वरना कन्फ्यूजन बनी रहेगी। कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करेंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के जैसे ही है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और डिफरेंस देखेंगे तीनों। ध्यान से देखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? ये बात ध्यान देना हमेशा। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किस तरह से मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अभी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था कि डायगोनल का फॉर्मेशन किस में हो रहा था? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो रहा था, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहा? आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यहाँ पे डायगोनल मतलब, जब भी डायगोनल वर्ड यूज है, वर्ड हो यूज हो, तो उसका मतलब समझ लो वहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल की बात चल रही है। सर मैं मैट्रिक्स में जहाँ पे डायगोनल वर्ड यूज हो, वहाँ पे बात होती है हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल की। इसलिए मैं चीज़ शुरू में ही बता दी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी हिंदी होती है विकर्ण आव्यूह। इसकी हिंदी होती है विकर्ण आव्यूह, मतलब एक ऐसा आव्यूह ना जिसमें विकर्ण के सभी एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स बचे हो क्या हो? शून्य। ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखो भाई इसका। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको ऊपर लिखते हैं भाई। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, या फिर वीडियो पास कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम नल मैट्रिक्स को यूज करके इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसके एलिमेंट्स ए जीरो जीरो जीरो, बी जीरो जीरो जीरो, सी। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर देखो 3x3 का ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सिक्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखा जाए इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये क्या है? जीरो नहीं, ए बी सी यहाँ पे जीरो नहीं, जान लेना ए बी सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी के सभी क्या हो? जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक चीज, इन्हें ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के, उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डायगोनल, DIAG, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, D1, D2, D3, डॉट डॉट, DM, DM कर देते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑर्डर का है, M क्रॉस M ऑर्डर है।
तो इसको रिप्रेजेंट करते करते कैसे करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसको लिखेंगे डायगनल d1 d2 d3 अप टू dm। जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स ए डायगनल ए बी सी, इसका मतलब कि डायगनल पे एलिमेंट्स ए बी सी है, बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स मतलब कि डायगनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या है, जीरो। क्लियर बात। जैसे कहीं लिखा रहे डायगनल 1 2 3, इसका मतलब होगा कि एक मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स में यहाँ पे एक्स है मान लेते हैं, इसका मतलब एक मैट्रिक्स एक्स होगा जिसके डायगनल के एलिमेंट होंगे 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर बात। ये होता है डायगनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो आप वीडियो पास करें पहले इतनी चीजें नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक ऊपर, स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना चीज कि जैसे मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम होगा एम क्रॉस एम। क्लियर बात। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे की फॉर्म में जो दिया है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, ध्यान देना। सेट टू बी, सॉरी यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स लिखना, सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स, सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। कब कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स, जब ए आई जे तुम्हारा जीरो हो, जब आई बराबर जे के ना हो तो ऐसे में ए आई जे जीरो होना चाहिए। मतलब ए आई जे आई और जे बराबर ना हो, मतलब a1 2 a1 3 ऐसे करके a1n वाला एलिमेंट और a2 1 a2 3 ऐसे करते करते a2n वाला एलिमेंट, यानी ए सब एलिमेंट जिसे कहते हैं हम, एक मैट्रिक्स हमारे पास है ना, a11 होता है यहाँ पे, a12 ऐसे करते करते होता है a1m, फिर यहाँ पे आएगा a21 a22 ऐसे करते करते आएगा a2m, फिर आएगा am1 am2 ऐसे करते करते amm, ऑर्डर इसका m क्रॉस m, ये मैट्रिक्स ए है। तुमने क्या कहा, ध्यान समझना चीज कि ए आई जे जीरो हो, जहां पे i बराबर j गिना हो, ध्यान देखना चीज, i j मतलब रो और कॉलम अलग अलग हो, यानी a11 यहां पे इक्वल है, ये इक्वल है, ये जीरो नहीं होगा, a12 दोनों अलग अलग है, ये जीरो हो जाएगा, ए ऐसे करते 1 3 1 4 1 5 कहाँ तक, 1m तक, इसमें देखो 1 2 दोनों अलग है, 1m अलग है, ये सब एलिमेंट जीरो होंगे इसको छोड़ करके। फिर यहाँ बात करते हैं a21, यहाँ पे भी ये इक्वल नहीं है, जीरो होगा, जहां पे i और j की वैल्यू इक्वल हो वो वैल्यू क्या होगी, k, कोई भी कॉन्स्टेंट होगी, हर जगह सेम होगी। जैसे देखो यहाँ पे a11 है, a22 यहाँ पर आएगा, a3 से करते करते amm, यानी ये सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, कोई एक फिक्स कांस्टेंट होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे जीरो। मतलब जैसे आई जे जहाँ पे बराबर ना हो वहाँ पे ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ देखो a21 है, आई जे अलग अलग है, ये जीरो होगा, ऐसे a31 a41 a51 ऐसे करते करते am1, यहाँ पे आई और जे की वैल्यू दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, ये सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। बचा जो डायगनल एलिमेंट, भाई डायगनल एलिमेंट होता है, डायगनल एलिमेंट हमारा होता है a11 a22 a3 ऐसे करते करते amm, यानी यहाँ पे i j बराबर है, i is equal to j, इसका मतलब जहाँ i बराबर j हो उसका मतलब होता है वो डायगनल एलिमेंट की चर्चा कर रहा है, जहाँ पे डायगनल एलिमेंट का कोई एक कॉन्स्टेंट हो, बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल भाषा में बात करना चाहें तो ध्यान देखिए, यहाँ पे अ डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, सेम फिक्स हो, जैसे हर जगह क्या हो यहाँ पे 1 1 या कह सकते हो 2 2 2, बाकी सब जगह क्या हो 0। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे ये सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में कोई बाउंडेशन नहीं था, बस यही केवल एक बाउंडेशन था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स थे वो जीरो नहीं हो, बाकी सब जीरो हो। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इसकी बात नहीं करता। वो कहता था कि जीरो ना हो, बस 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो बट जीरो ना हो, उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो। लेकिन यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में एक बाउंडेशन दे दिया है कि ये जीरो ना हो, ये तो सही है, साथ ही साथ फिक्स हो, जो भी हो कम मतलब फिक्स हो चीज, इसके अलावा कोई और नहीं है। जैसे कहते हैं यहाँ पे 2 है हर जगह 2 है, यहाँ पे 5 है हर जगह 5, यहाँ 10 है हर जगह 10, यहाँ पे x है हर जगह x, क्लियर बात। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो पहले वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। और चलिए आगे बात कर लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए होती है तत्समक अव्यव। इसके पहले जो हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं अदिश अव्यव। उसे बोलते क्या हम, अदिश अदिश अव्यव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यानी इसको हम यूनिट मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं, यानी इकाई अव्यव। इसे हम इकाई अव्यव के नाम से भी जानते हैं। होता क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए इज इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म का हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए आई जे बराबर जीरो हो, यानी जब आई और जे की वैल्यू बराबर ना हो तो ए आई जे जीरो हो, और जब आई और जे की वैल्यू बराबर हो तो ऐसे में ए आई जे क्या हो, वन हो। सिंपल भाषा में जो अभी हम पढ़े थे ना स्केलर मैट्रिक्स, उसमें क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, फिक्स थे, कांस्टेंट के बराबर थे, यानी 2 3 4 5 कुछ भी होंगे वो सब सेम होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के लिए। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब किसी डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, वन हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल वर्ड में वही चीज है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। सर मैम, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, वन, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वन है, बाकी सब जीरो है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि ये वन हो सकता था, वन के अलावा और भी से 2 हो सकता था ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एक बाउंडेशन और दे दिया है कि ये जीरो तो नहीं होंगे, केवल वन होंगे, केवल क्या होंगे, वन होंगे। ये बाउंडेशन है यहाँ पे। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या बाउंडेशन था, ये जीरो तो नहीं होगा, इतना क्लियर था, लेकिन जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं और जो भी होंगे फिक्स होंगे, यानी जीरो नहीं होंगे और ना अलग अलग होंगे, सब क्या होंगे, सेम होंगे, 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा। समझ गए अभी के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 1 1। और डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या थी, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी, बस एक चीज़ का ध्यान रखना था वहाँ पे कि जो डायगोनल एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हो वो जीरो ना हो, बाकी कुछ बाकी सब जीरो हो, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये फिक्स हो, मतलब सेम हो, डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं। तीनों चीज़ डिफरेंस समझ में, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में कि मतलब डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो, बाकी सब जीरो हो, और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम हो भी सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं। समझ में, स्केलर मैट्रिक्स में क्या बाउंडेशन था कि तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहते थे कि जब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, फिक्स हो, हर जगह जो भी जो 3 4 एलिमेंट जो होंगे डायगोनल पे वो क्या होंगे, सेम होंगे और कुछ भी हो सकते हैं, सेम मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पे,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगनल मैट्रिक्स था उसमें डायगनल एलिमेंट अगर वन हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या बोले उसको यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं कि इकाई आव्यूह। क्लियर बात, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स अगर ए मान लें, अब अगर हम बात करें इन तीनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, मतलब जीरो तो है 1 2 3 4 5 6 छः जीरो है, तो किसी भी डायगनल या स्केलर या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं, तो यहाँ पे नोट में एक बात लिख लीजिए, द नंबर ऑफ जीरोस इन डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर माइनस एन, या फिर कह सकते हो एम स्क्वायर माइनस एन, वेयर एम इज व्हाट, एम इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एम क्या होगा इसका ऑर्डर होगा, जैसे आप देखो इसकी ऑर्डर क्या है, 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इन ए कितना होगा, एम स्क्वायर माइनस एम, मतलब जितना ऑर्डर उसका स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एम यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 9 माइनस 3 विच इज 6, चेक कर लो भाई 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी डायगनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस किस फॉर्म में निकालोगे, उसका सिंपल सा तरीका होता है एम स्क्वायर माइनस एम। क्लियर बात, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होकर बात एक चीज़ सामने आई कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स वन वन होंगे और डायगनल एलिमेंट कैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, यानी सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन कहो कि सभी डायगनल आइडेंटिटी हो सकता है ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे देखो जैसे इसको रेस कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 3 0 0 0 5, ये हमारा डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगनल के एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। लेकिन अगर यहीं पे 1 हो जाए ये तब भी डायगनल एलिमेंट है, सो डायगनल मैट्रिक्स तब भी है, लेकिन अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया, यानी जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे वो सभी के सभी डायगनल मैट्रिक्स होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि सभी डायगनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऐसा संभव नहीं, मतलब सभी नहीं होते, कुछ होते कुछ नहीं होते। अब इससे बात करें, हम स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर अगर चर्चा कर लें, सभी स्केलर मैट्रिक्स हमारे डायगनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सभी डायगनल मैट्रिक्स हमारे स्केलर मैट्रिक्स नहीं होते हैं। तो वीडियो पास करके आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं जो 4 बची हुई टाइप्स हैं उनके ऊपर। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हिंदी में होता है ऊपर ही त्रिभुजी आव्यूह, ये क्या होता है ध्यान से समझना। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए सॉरी फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, मतलब कि एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए आई जो जीरो हो, जहाँ पे आई की वैल्यू जे से बड़ी हो, यानी वर्ग आव्यूह को हम ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह तब कहेंगे जब ए आई जे शून्य हो और आई की वैल्यू जहाँ आई की वैल्यू जे से बड़ी हो, जिस एलिमेंट के लिए, जिस तत्व के लिए, जिस एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू जे से बड़ी हो वो क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखो हमने एक मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, यहाँ पे देखो जब कहते ना भाई 1 1, इसका मतलब ये आई है ये जे, इसका ध्यान दीजिएगा ए 1 1, यहाँ पे आई और जे इक्वल है, ये जीरो नहीं होगा। ए 1 2, ये भी आई जे से छोटा है, यहाँ पे भी आई जे से छोटा है, यानी यहाँ पे भी आई जे से छोटा है, ये सभी एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। यहाँ पे देखो ए 2 1, यहाँ पे आई जे से बड़ा है, ये जीरो हो जाएगा। ए 2 2 बराबर है, जीरो नहीं होगा। ए 2 3, यहाँ पे छोटा है ये बड़ा है, जीरो नहीं होगा। यानी जहाँ पे ये वाला इससे छोटा आ जाए
ये सॉरी ये वाला इससे बड़ा आ जाए तो आप इसको जीरो कर देना है। ये देखो इससे छोटा है, देखो ए थ्री वन थ्री बड़ा आ गया, ये जीरो होगा। ए थ्री टू ये भी जीरो आ गया क्योंकि यहाँ पे थ्री टू से बड़ा है। ए थ्री थ्री बराबर है, जीरो नहीं आएगा। ऐसे करते करते ये भी जीरो नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर आएगा ए फोर वन, यहाँ पे फोर बड़ा है, जीरो आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे आएगा ए फोर फोर, ये जीरो नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ पे ये फोर फोर आएगा। तो डायगनल एलिमेंट के नीचे जो ये प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट ये है, ये प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट के इस साइड में मतलब नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब जीरो आएंगे। चेक कर लो भाई, ए एन वन, एन यहाँ पे वन से बड़ा है, ये जीरो हो गया। ए एन टू यहाँ पे एन टू से बड़ा है, ये भी जीरो होगा। एन थ्री में भी एन जीरो थ्री से बड़ा, ये भी जीरो होगा ना। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर देखो नहीं, ऐसा सिंपल भाषा में केवल समझने के लिए समझाते हैं कि अगर डायगनल मैट्रिक्स में, ध्यान समझना, अगर डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो, ध्यान समझना, डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। भाई ध्यान सुनना, अपर है तो डायगनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो नहीं होगा। नाम से याद समझना है आप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो, जीरो ना हो, और डायगनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल की समझते भाई यहाँ पे, जैसे मैट्रिक्स ए है वन टू थ्री जीरो फाइव सिक्स जीरो जीरो नाइन, यहाँ पे तो ये डायगनल एलिमेंट है। अच्छा, डायगनल एलिमेंट भी जीरो नहीं होना चाहिए, भी क्लियर है। डायगनल एलिमेंट से ऊपर वाला एलिमेंट जो हो, डायगनल एलिमेंट को लेकर के ऊपर वाला जो एलिमेंट है सब क्या हो, जीरो ना हो, और डायगनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। यहाँ देखो डायगनल एलिमेंट और उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं है, लेकिन डायगनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। सुन मैं, डायगनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वीडियो पास करें, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम चर्चा करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हिंदी इसकी होगी निम्न त्रिभुजी आप दो, वही चीज है। यानी देखो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए इज इक्वल टू ए जे आई जे के फॉर्म का हो, उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज कर लेना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब ए आई जे जीरो हो, जहाँ पे आई की वैल्यू जे से छोटी हो, यानी जहाँ जहाँ जे की वैल्यू आई से बड़ी होगी या आई की वैल्यू जे से छोटी होगी वो एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। क्लियर बात, ऐसे एलिमेंट को हम क्या, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स है, चेक कर लो यहाँ पे ए वन वन है यहाँ पे, ये जीरो नहीं होगा। वन टू यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये हो जाएगा जीरो। यानी जहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू बड़ी हो जाए वो जीरो हो जाएगा एलिमेंट। ए वन थ्री में थ्री बड़ा हो गया, ये जीरो हो जाएगा। ऐसे करते करते ए वन एन में एन बड़ा है जीरो से, वन से बड़ा जीरो हो जाएगा। ए टू वन यहाँ पे छोटा है, जीरो नहीं होगा, ये बराबर है तब भी जीरो नहीं होगा। ए टू थ्री में थ्री बड़ा हो गया, ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ए फोर ए हो गई ए टू फोर जीरो हो जाएगा, टू फाइव टू सिक्स ऐसे सब जीरो हो जाएगा। करते करते ए टू एन भी जीरो हो जाएगा। थ्री छोटा है सॉरी वन छोटा है थ्री से, यहाँ पे टू भी छोटा है, थ्री इक्वल है, जो फोर वाला आएगा थ्री फोर वो जीरो हो जाएगा, थ्री फाइव थ्री सिक्स थ्री सेवन सब जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म क्या है, जीरो। यहाँ वैसे ए थ्री एन क्योंकि एन थ्री से बड़ा है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखा जाए ए एन जीरो होगा, सर ए एन नहीं, ए एन को छोड़ सकते हैं। यहाँ देखो जी, यानी कि जैसे हमने कहा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगल के नीचे वाला पार्ट छोड़ करके बाकी, मतलब ट्रायंगल के नीचे वाला पार्ट जीरो, बाकी सब नॉन जीरो। वैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगनल मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट जब जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एज एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसलिए डायगनल मैट्रिक्स है हमारे पास, डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब जीरो हो, और डायगनल मैट्रिक्स से नीचे वाले एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे यही मैट्रिक्स ए हो हमारा, ए जी सॉरी ए जीरो जीरो, बी सी जीरो, डी ई एफ। यहाँ देखो डायगनल एलिमेंट ये है, और डायगनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम क्या है इसका, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब कि डायगनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, जहां पे लोअर, नाम से समझना है यहाँ पे लोअर है, लोअर पोर्शन जीरो नहीं होगा, अपर पोर्शन जीरो होगा, बस समझ में नहीं, अपर होगा, अपर पोर्शन जीरो नहीं होगा, लोअर पोर्शन जीरो होगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो ये कंडीशन, ए आई जे जीरो हो जहाँ पे जे की वैल्यू आई से बड़ी हो, तो जे की वैल्यू आई से बड़ी तभी होगी जो जो एलिमेंट्स डायगनल के ऊपर हो। क्लियर बात, ये थी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वीडियो पास करके आप इसको नोट कीजिए। अब हम चर्चा करते हैं लास्ट दो टॉपिक की, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए बात करते हैं भाई अगले दो बचे हुए मैट्रिक्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। हिंदी होती है इसकी क्षैतिज अव्यूह, इसका होता है ऊर्ध्वाधर अव्यूह। होता है क्या, देख लेते हैं भाई कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज़्यादा हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स रो से ज़्यादा हो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसे बोलेंगे हम वर्टिकल मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे हम वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2x4 का ऑर्डर है, जिसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, रो कितनी है, 2। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स रो से ज़्यादा हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और जब नंबर ऑफ रोज कॉलम से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4x2 का मैट्रिक्स है, इसमें देखो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है कॉलम्स कम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। या सिंपल भाषा में मेमोराइज करने का तरीका समझो, यहाँ पे देखो जब भी कहे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल्स के एलिमेंट्स कम होंगे। हॉरिजॉन्टल क्या है, रो है, तो रो कम होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कम होगा, वर्टिकल वाला ज़्यादा होगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जब वर्टिकल में ज़्यादा होगा, वर्टिकल मतलब कॉलम्स ज़्यादा होगा, और हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल जब कम होगा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे हम वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ देखो अगर इसके लेंथ की बात करें, वर्टिकल लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ कम है, यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल में भाई 1 2 केवल 2 ही है, और वर्टिकल में 1 2 3 4 4 है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और वर्टिकल मैट्रिक्स देखो वर्टिकली ये लंबा होगा, और हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली ये लंबा होगा, ऐसे समझो। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो।